हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा, इसे रवा शीरा भी कहते हैं। जनरली ये शीरा हम प्रसाद में बनाते हैं। ये वीडियो में मैंने हलवा बनाने की प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप और परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ बताया है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी या रवा, आधा कप घी, 2.5 कप दूध, आप चाहे तो आधा दूध और आधा पानी का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैंने चॉप्ड काजू बादाम और किशमिश लिया है, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, थोड़ा केसर और ये 1 कप शक्कर। सूजी और शक्कर का मेजरमेंट सेम ही रखेंगे। सबसे पहले एक साइड हम 2.5 कप दूध को गर्म करने के लिए रख देंगे। जब तक ये दूध बॉयल हो रहा है तब तक दूसरे गैस में सूजी को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने पैन ले लिया है, उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी। घी जब मेल्ट हो जाए तो उसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। इसे हम 3-4 मिनट तक रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से ये थोड़े क्रंची हो जाएंगे और इसका टेस्ट भी एनहेंस हो जाएगा। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किए बिना भी यूज़ कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिया है हमने, इसे निकाल देंगे एक बाउल में। यही पैन में हम बाकी का घी ऐड करेंगे। घी मेल्ट हो गया है, अब हम डालेंगे 1 कप सूजी। सूजी को अच्छे से घी में मिलाकर 5 से 7 मिनट तक रोस्ट करेंगे। जब तक सूजी का कलर हल्का चेंज नहीं हो जाता और सूजी में से खुशबू नहीं आने लगती तब तक इसे रोस्ट करेंगे। आप देख सकते हो सूजी का कलर माइल्ड चेंज हो चुका है। एक साइड जो हमने दूध उबालने रखा था वो गर्म हो चुका है। दूध को ऐड कर देंगे सूजी में, सब मिला लेंगे। ये देखिए 2 मिनट में ही ये गाढ़ा हो जाएगा, सूजी दूध को अब्सॉर्ब कर लेगी। अब इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और केसर, मिक्स कर लेंगे एक बार। और इसे कवर करके 3 मिनट तक पकाएंगे। देखिए सूजी बहुत ही अच्छी तरह पक चुकी है। और इसमें ऐड करेंगे 1 कप शक्कर, मिक्स कर लेंगे। और इसे फिर से कवर करके 4 मिनट तक पका लेंगे। देखिए शक्कर का मॉइस्चर बिल्कुल ही नहीं बचा है, हलवा थिक हो गया है और थोड़ा सा ड्राई भी हो गया है। अब लास्ट में हम ऐड करेंगे रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स। थोड़े ड्राई फ्रूट्स हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। तैयार है शीरा, इसे सर्व कर लेते हैं। और गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से, तो देखने में भी ये अच्छा लगेगा और टेस्ट तो लाजवाब है ही। तो रेडी है सूजी हलवा, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और आपके फीडबैक्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू सून विद द नेक्स्ट रेसिपी। बाय बाय।